हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और घर का हमारा सारा काम हो चुका है और अब हम बनाएंगे खाना। खाने में है आज फिर कढ़ी, और बहुत ही टेस्टी कढ़ी है। और आज हम बनाएंगे कुछ अलग तरीके से। चलिए दिखाते हैं आपको कि हम कैसे बनाएंगे आज कढ़ी। और चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं डाल दूंगी इसमें तेल। और देखिए चूल्हा भी हमारा अच्छी तरह जल रहा है। तेल हम ज्यादा नहीं डाल लेंगे और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसमें मेथी, और हमारे पापा को थोड़ी ज्यादा मेथी पसंद है कढ़ी में, तो इसलिए हमने थोड़ी ज्यादा सी डाली है मेथी। और मेथी हमारी भुनने लग रही है। जब हल्की मेथी भुन जाएगी तो इसमें डाल देंगे हम लहसुन प्याज जो हमने पहले ही काट के रखे थे, ये देखिए। और हम कढ़ी में भी हरी मिर्च का यूज करते हैं। पापा को लाल मिर्च की सब्जी नहीं पसंद आती है, तो हरी मिर्च की सब्जी बहुत अच्छी लगती है और कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्चों से। और अब मैं डाल दूंगी इसमें लहसुन। और प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट के रखी है, और इनको मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। हरी मिर्च भी मैं साथ में डाल दूंगी। और अदरक ये भी मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। सभी को मैं एक साथ भून लूंगी अच्छी तरह से। और ये देखिए, हम आज पकौड़ी नहीं बनाएंगे, आज हम सोयाबीन डाल लेंगे पकौड़ी की जगह कुछ नए अंदाज में। बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी में सोयाबीन। लहसुन प्याज हमारा भुन चुका है, अब मैं डाल दूंगी इसमें सोयाबीन। इसे भी इन्हें भी मैं फ्राई कर लूंगी। और हम इसी तरह से बनाते हैं कढ़ी। और मैं डाल दूंगी इसमें कढ़ी का पेस्ट। और इसका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देंगे। और अब मैं डाल दूंगी इसमें कटी हुई प्याज, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इन्हें पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे। अच्छी तरह पकाएंगे इसे हम। तो ये देखिए कढ़ी हमारी छुक के तैयार हो गई है। और सोयाबीन से बहुत ही अच्छी लगती है सोयाबीन कढ़ी में। और जब तक हमारी कढ़ी बनती है तो मैं चावल साफ कर लेती हूँ, फिर चावल भी मैं चूल्हे पर ही बनाऊंगी। और ये देखिए हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। कितनी अच्छी कढ़ी बनी है। ये देखिए। और अब हम बनाएंगे चावल और उसके बाद रोटी। और हमारा खाना बन के हो गया तैयार। अब हम खाएंगे खाना, और खाना खाने के बाद करेंगे थोड़ा सा काम। कपड़े धोने पड़े हैं हमारे, फिर धोएंगे हम कपड़े। लाइट नहीं आई थी सुबह से, अब लाइट आई है। खाना खाने के बाद धोएंगे हम कपड़े। और चलिए खाते हैं खाना। आइए और आप भी खाइए हमारे साथ खाना। और ये देखिए कितना सारा काम फैला हुआ है। आज चल रही है घर में साफ सफाई और पर्दों की साफ सफाई। ये देखिए हमने सारे पर्दे उतार लिए हैं, ये बाद में धोएंगे हम, पहले ये धोएंगे। और नया तरीका दिखाते हैं हम आपको कि हम पर्दे कैसे धोते हैं। मैं धो रही हूँ कपड़े, मैंने धो लिए हैं, अब मैं धोऊंगी पर्दे। और पर्दों को मैं इन तीन चार पर्दों को हम जितने मशीन में आएंगे इतने इस हिसाब से इकट्ठा करके और इनके कुंडों को ऐसे बांध के और हम इसे ऐसे करके पर्दे धोने के लिए डाल देंगे, जिससे कि इनके कुंडे न निकले। और अगर कुंडे निकल गए तो ये पर्दे खराब हो जाएंगे। तो चलिए धोते हैं पर्दे। और जब तक ये पर्दे धोते हैं मैं इन्हें कपड़ों को उगा लेती हूँ, पानी में को निकाल लेती हूँ।
और ये देखिए आज पतिदेव लग गया साफ सफाई अभियान में, पूरी टांड इन्होंने साफ कर दी है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो रही थी और वहां पर सबसे लास्ट में वहां पूरी सफाई हो गई है, एक इस वाले रूम की और इसकी और दूसरे वाले रूम में बची है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। और हमने सारे पर्दे, ये देखिए सारे पर्दे उतार दिए हैं और ये देखिए दो बाल्टी भरी रखी है पानी की, इनमें को पानी में को निकाल लेंगे पर्दों को। भाई मैं तो थक गई, कितने सारे कपड़े। और कपड़े मैं धोने लग रही हूँ, कुछ मेरे मशीन में धो रहे हैं कपड़े और कुछ मैंने धो लिया, कुछ मैं छत पर फैला कर आ गई हूँ सारे पर्दे। और जो ये फूल की कलियाँ हैं ये काफ़ी गंदी हो गई थी, धूल मिट्टी बैठ जाती है हमारे यहाँ, ज़्यादा धूल मिट्टी आती है तो इन्हें मैं डिटर्जेंट के पानी में धो रही हूँ और अच्छी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से अच्छी तरह से इन्हें रगड़ के इनका सारा मैल निकल जाएगा और फिर बहुत ही अच्छी चमक जाएगी, जैसे नई होती है ऐसे लग हो जाती है सूखने के बाद। और डिटर्जेंट के पानी में कोई वैसा नहीं होता, ख़राब भी नहीं होती है। कपड़ों को मैंने धो लिया है और कुछ मैंने बाल्टी में डाल के रखे हैं डिटर्जेंट के पानी में और काफ़ी सारे नीचे पड़े हुए हैं फूल और इन्हें एक एक करके मैं सारों को धो लूँगी। जो ये बड़े वाले फूल हैं, गमला है जो, उसे मैं हाथों से अलग अलग कर रखे हैं मैंने फूल को। और ये वाले हैं जो नहीं, मैं उल्टी साइड करके धो रही हूँ क्योंकि इनमें चूना होता है अंदर और पानी चला जाएगा तो वो घुल जाएगा, तो इसलिए इन्हें उल्टा करके धो रही हूँ, इनमें पानी नहीं जाने देने है अंदर मुझे तो इसलिए। और अच्छी तरह साफ सफाई चल रही है घर में, कुछ खास नहीं है लेकिन वैसे ही है जो डेली के काम होते हैं अपने वैसे ही। बस आज मन था कि दिन में कभी कभी लाइट नहीं आती है तो इसलिए आज लाइट आ रही थी तो मैंने सारे पर्दे वगैरह धो दिए हैं और फिर अब मैंने पानी में को साफ अच्छे पानी में को धो लूंगी और अच्छी तरह से इनका सारा डिटर्जेंट का पानी है वो निकल जाएगा और फिर इन्हें सूखने के लिए पंखे की हवा में वरना धूप में रख दूंगी। और जब ये सूख जाएंगे तब हम इन्हें सारी कलियों को लगा देंगे पोट में और ये देखिए यहाँ पर सूखने के लिए डाल रखे हैं मैंने फूल को और सारे धो चुके हैं, देखिए कितने साफ अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी तरह नए जैसे लग रहे हैं।